तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, किसी समय पार्टिकल ए पर है और ए से मोशन शुरू करता है, और इस कर्व में जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, और हमें एक पॉइंट बी बताना है सच दैट कि जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमें तीन बातें समझना जरूरी है। पहली बात ये कि एक्स वाई कर्व का मतलब क्या होता है, दूसरी बात ये कि एक्स वाई कर्व में दो पॉइंट है तो दो पॉइंट के बीच जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसका क्या मतलब होता है, और तीसरा ये कि एक्स वाई कर्व में किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। अगर ये तीनों पॉइंट समझ लेते हैं तो हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्स वाई कर्व में मूव करने का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल में एक्स वाई कर्व ग्राउंड है, ठीक है ना, मतलब ये हो गया कि हम मान लेते हैं कि हम ये ग्राउंड है और ग्राउंड में हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया है और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब कोई भी कर्व हम बना रहे हैं, ठीक है, तो कर्व जो पार्टिकल का पाथ बता रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये जो कर्व है वो पार्टिकल का एक्चुअल पाथ बता रहा है, मतलब किस इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ पे था, किस इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। मतलब किस इंस्टेंट पर हमें एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू भी पता है, तो मतलब हर एक पॉइंट पर क्या है, लोकेशन मालूम है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर लोकेशन मालूम होने का मतलब क्या हुआ, दिस इज द पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई ग्राफ में एक्स वाई कर्व का मतलब, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी स्टैंड पर जो पार्टिकल है इस पॉइंट पर है, ठीक है, ये पॉइंट है एक्स वाई प्लेन है, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए। किसी समय के बाद जो पार्टिकल है मूव करते करते मान लेते हैं यहां पर आ जाता है, इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो हमें पता क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो क्या हम ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ए भी एक लोकेशन है, बी भी एक लोकेशन है, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, यहां से टोटल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन यही है तो ऑब्वियसली ए से बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसका भी जो डायरेक्शन क्या होगा, यही डायरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम ए टू बी, ये एरिया जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन है और ए से बी तक का एवरेज वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस बात को हमने समझ लिया कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ए बी का क्या मतलब है। अब नेक्स्ट आते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वी बी का क्या मतलब है, मतलब किसी पॉइंट पे डायरेक्शन, तो एक्स वाई कर्व है, सॉरी ये एक्स वाई कर्व है, अब कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस स्टैंड पर जो पार्टिकल होगा ये पाथ है, ये क्या है, एक्स वाई कर्व में हमने बताया एक्स वाई कर्व पाथ है, तो इस स्टैंड पर पार्टिकल या तो उधर जा रहा होगा तो इधर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पार्टिकल उधर जा रहा होगा, ठीक है। तो इस स्टैंड पर अगर हमें निकालना है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये रहा से करके टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही बताएगा कि उस स्टैंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी इस स्टैंड पर या तो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो सकता है, मतलब टेंजेंट सेज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें पॉइंट बी निकालना है सच दैट कि ए से बी तक का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी एट बी का डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये ठीक है। तो जो टेंजेंट होगा किसी एक पॉइंट पर टच करेगा कर्व को, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट बी है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट बी, कैसे तो देखते हैं। अब इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी एट बी, मतलब वेलोसिटी बी पर का जो डायरेक्शन है इस तरफ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वी बी, वी बी इस पॉइंट पर इस तरफ है, और एवरेज वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन है,
पार्टिकल पहले यहां पे था और बी पे आ गया, तो हम ए और बी दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, एंड एट द सेम टाइम दिस इज द डायरेक्शन एट पॉइंट बी, क्योंकि हमने क्या क्या है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो हम इस पॉइंट का एस कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम पॉइंट बी बता सकते हैं जहां पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है।